वीर गाथा में आज बात भारत माँ के लाल वासुदेव बलवंत फड़के की। अगर बात करें भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति और उन क्रांतिकारियों की जिनकी वजह से देश को आजादी मिली, तो इतिहास के सुनहरे पन्नों पर हजारों नाम दर्ज मिलते हैं, पर हम सिर्फ कुछ नामों से ही रूबरू हुए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नमन है उन वीर सपूतों का जो हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसा ही एक महान क्रांतिकारी और भारत माँ का सच्चा बेटा था वासुदेव बलवंत फड़के। फड़के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले भारत के प्रथम क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शिरढोड़े गांव में हुआ था। साल 1879 में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। उन्होंने महाराष्ट्र की कोली भील तथा ढांगड़ जातियों को एकत्र कर रामोशी नाम का क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। फड़के की सेना और अंग्रेजी सेना में कई बार मुठभेड़ हुई, पर उन्होंने अंग्रेजी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 20 जुलाई 1879 को फड़के बीमारी की हालत में एक मंदिर में आराम कर रहे थे और उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें अंडमान की जेल में भेज दिया गया। 17 फरवरी 1883 को काला पानी की सजा काटते हुए जेल के अंदर ही देश का यह वीर सपूत शहीद हो गया। ऐसे महान क्रांतिकारी को हमारा शत शत नमन।